एवरीवन, दिस इज जागृति एंड वेलकम टू माय चैनल क्रेयॉन्स एंड स्पाइसेस डेकोरल। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रग बनाएंगे। ये रग आप कोई भी ओल्ड दुपट्टा या फिर साड़ी या फिर टी शर्ट या फिर कोई भी अगर आपके पास स्ट्रैप पीसेस पड़ा हुआ हो क्लोथ्स का, उससे आप ये रग बना सकते हैं। ये रग काफी ज्यादा इजी टू मेक है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है तो आप इस रग को बना सकते हैं। एंड इस रग को आप एज ए डोरमैट की तरह भी रख सकते हैं, एज ए कारपेट की तरह भी रख सकते हैं, उसको थोड़ा सा छोटा बना के उसको एज ए टेबल प्लेसमेंट की तरह भी रख सकते हैं। आप कैसे भी रख सकते हैं, आप कैसे भी रखो, ये रग बहुत ही सुंदर लगता है। आई एम नॉट द ऑथर ऑफ दिस रग। ये रग काफी लोगों ने बनाया है और अपने घर को सजाया है। आई एम जस्ट ट्राइंग इट एंड आई एम शेयरिंग माई प्रोसेस विथ यू ऑल। लेट्स एंजॉय द होल प्रोसेस एंड लेट्स नॉट डू ज्यादा पकड़ पकड़, लेट्स डायरेक्टली गो द वीडियो। इस रग को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ क्लोथ्स के यार्न, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेंथ में अपना एक पुराना दुपट्टा काट रहे हूँ। इसी टाइप से हमें काटना है। मैंने इस प्रोजेक्ट में पूरा ऑल टोटल 4 दुपट्टा यूज़ किया है, जो बिल्कुल ही अनयूज थे, जो मैंने एकदम कॉलेज के टाइम के थे और मैंने काफ़ी सालों से उसको यूज़ नहीं किया है। आप दुपट्टे के जगह पर आप कोई भी ओल्ड साड़ी भी यूज़ कर सकते हो या फिर टी शर्ट्स भी यूज़ सकते हो, कोई ड्रेस भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे काटा है उसी टाइप के काट के आपको लंबा लंबा यार्न चाहिए होता है, मतलब क्लोथ के यार्न चाहिए होता है। ऐसे ही मैंने 4 दुपट्टे को काट लिया था। अभी हम लोग को एक बेस चाहिए, तो बेस के लिए आप कोई भी कॉटन क्लॉथ यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी पुरानी बेडशीट यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपनी पुरानी बेडशीट थी जो फिर से बिल्कुल अनयूज था, उसी को राउंड सर्कल में कट कर लिया है। 4 सेंटीमीटर हाइट में एक कार्डबोर्ड को कट करना है और जो हम लोगों ने दुपट्टा का यर्न बनाया था उसको ऐसे कार्डबोर्ड में रैप करना है। हाइट ऑफ द कार्डबोर्ड हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर इसलिए रखा है क्योंकि मुझे जो रग का हाइट उसको मुझे 4 सेंटीमीटर रखना है। अभी ये पूरा रग को काट के, मतलब रैप करके, जो भी एक्स्ट्रा पीसेस है यार्न का उसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैंने क्या किया है, कार्डबोर्ड का एक साइड में हॉट ग्लू गन यूज़ करके यहाँ पे एकदम ही स्ट्रॉन्ग एडहेसिव यहाँ पे अटैच किया है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं जो साइड में हमें ग्लू लगा रही हूँ उसी साइड को मैं जो बेडशीट मैंने काट किया था उस वहाँ पे मैं अटैच करूँगी। अटैच करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है ताकि वो अच्छे से लग जाए बेडशीट के साथ। उसके बाद जो दूसरा एंड है उस कार्डबोर्ड का, उसको ऐसे जो क्लोथ का जॉइंट्स है वहाँ पे कट करना है। आपको बहुत ही सुंदर से फ्रिल्स दिखने को मिलेगा और बिल्कुल ही केयरफुली कार्डबोर्ड को रिमूव कर दीजिए। मैं फिर से एक बार दिखा रही हूँ मैंने यहाँ पे कैसे अटैच किया है। एक बार कार्डबोर्ड को रैप करना है कपड़ों के साथ। रैप करने के बाद एक साइड में ग्लू लगाना है, कोई भी एक साइड में लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर साइड में ही लगाना है, किसी भी एक साइड में लगा सकते हो। जिस साइड में ग्लू लगाया है उसी साइड को बेडशीट के साथ या फिर कोई और पीस के साथ अटैच करना है और उसके दूसरे साइड को सीजर्स के साथ काटना है। बस इतना ही है पूरा प्रोसेस। मैंने यहाँ पे अलग अलग दुपट्टा यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा पैटर्न आए, मतलब थोड़ा सा अच्छा लुक दिखे। बट एग्जैक्टली मैंने बिल्कुल डिफरेंट शेड्स नहीं किया है, रेड के ही जो भी आसपास के शेड्स है उसी को ही यूज़ किया है यहाँ पे। बस अभी सेम प्रोसेस रिपीट करना है जब तक आपका पूरा बेडशीट फील ना हो जाए। ये बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो देखते हैं अभी कैसा लग रहा है ये फाइनली बनने के बाद। कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस रग का ऑथर मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये टेस्ट किया है
बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी इजी वे टू मेक ए रग एट होम। बस ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मुझे ऑलमोस्ट इसको बनाने के लिए 4 दिन लगा था, 4 डेज। बट मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कंटिन्यूसली ये रग ही बना रही थी, बहुत सारे अलग भी काम थे। तो आपके पास अगर थोड़ा सा फ्री टाइम है, थोड़े से फ्री क्लोथ्स है, आप आराम से घर पे ही ऐसा सुंदर रग बना सकते हैं। इसको आप ऐसे डोरमेट भी रख सकते हैं, या फिर छोटा साइज का बना के आप टेबल मेट के जैसे भी रख सकते हैं, या फिर दरी के जैसे भी रख सकते हैं, छोटे कारपेट्स के जैसे भी रख सकते हैं, किसी भी तरह से रख सकते हैं आप इसको। ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट वीडियो में विथ ए न्यू आइडिया, विथ ए न्यू कॉन्सेप्ट। अंटिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।